आज हमने यहाँ पे रखा है शहीद प्रोग्राम रखा है तो मतलब 2020 अगस्त में 30 अगस्त को ये शहीद हुए थे यहाँ पे पंथा चौक में कश्मीर में टेम्पू के साथ दवा लेते हुए उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आगे जाकर लड़े देश के लिए। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आज उनको अशोक चक्र मेडल भी मिला है। वो पहले भी मैंने कहा था कि उनको बहुत बड़ा एक अशोक चक्र जो मेडल होता है बहुत बड़ा होता है तो मतलब वर्ल्ड के मतलब इंडिया के तीसरे नंबर पे वो आता है अशोक चक्र मेडल। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आज उनके तो इसलिए हमने कि एक प्रोग्राम रखा शहीद यू एसी का जो पुलिस महकमा था उनको भी हमने इन्वाइट किया यहाँ पे वो आए उन्होंने अच्छे से सर्वे किया यहाँ पे। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपनी बात में। हमारे पुलिस में मीडिया पर्सन डीएसपी साहब आर्मड के मैं उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बिरादरी का जो वहां बुजुर्ग शहरी आए हैं पंच सरपंच हमारे प्रधान जितने आए हैं मैं सब लोगों का दिल की गहराइयों से शहीद एएसआई बाबूराम जी टेररिस्ट से लड़ते हुए पंथा चौक एरिया में शहीद हुए थे। आज जहां दराना चौक पे छोटा सा फंक्शन रखा था तो उसमें यहाँ के सभी लोगों ने उनके फैमिली मेंबर्स ने हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हम हमेशा के लिए याद रखेंगे और उनकी फैमिली को अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और यहाँ के मौजूद शहरी के लिए यहाँ के इस एरिया थाना के लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए और हमारी पूरी ड्यूटी के लिए ये बड़े फख्र की बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो हिस्ट्री में जो अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड मिला है ये फर्स्ट टाइम मिला है और इसके लिए हम सबको जो बहुत गर्व है।